अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल लब्लिकेट्स वेलकम बैक टू अवर ई लर्निंग क्लास चिल्ड्रन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एट यूर होम सो चिल्ड्रन इन सब्जेक्ट मॉरल वैल्यू एजुकेशन आज हम मॉरल वैल्यू एजुकेशन में एक नई स्टोरी देखेंगे सुनेंगे उसके बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी सो आज हमारा मॉरल वैल्यू एजुकेशन का टॉपिक है नॉबिलिटी अप्रिशिएटेड। ये आपके वैल्यू एजुकेशन बुक में टॉपिक नंबर सिक्स है नोबिलिटी अप्रिशिएटेड मींस जो हमारा साहस है हमारी ऑनेस्टी है वो हमेशा अप्रिशिएटेड होती है अगर हम कोई भी काम अच्छी तरह से करेंगे पूरी ईमानदारी से करेंगे पूरा अपने आप के कॉन्फिडेंस के साथ यानी हमारे अंदर जो साहस है उसके साथ हम जो भी काम करेंगे वो हमेशा एप्रीशिएट होगा यानी उसकी हमेशा तारीफ होगी सो रिलेटेड दिस टॉपिक मैं आज आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर थर्टी पे दी हुई है तो हम इसको पहले रीडिंग करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी और आपको सेम यही स्टोरी घर पे भी रीड करनी है और एक्सप्लेन करके अपने पेरेंट्स को बतानी है सो चिल्ड्रन आर यू रेडी आप रेडी हो तो हम स्टोरी स्टार्ट करें ओके सो लेट बी स्टार्ट अवर रीडिंग पार्ट Now see children. First I am reading, and explain. Long time ago, a poor boy lived with his mother and their younger sister. एक time की बात है एक poor boy जो था वो अपनी mummy और उसकी younger sister के साथ रहता था His father was no more. उसके पापा नहीं थे देर वॉज नो सोर्स ऑफ इनकम टू सपोर्ट देम उसके पास कोई इनकम नहीं थी जो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके ही ट्राइड वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब बट इट वेंट इन vain। वो बहुत ही जॉब की हार्डवर्क करता था जॉब के लिए कि कहीं उसको एक अच्छी बहुत ट्राई करता रह रहा करता था कि उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए पर वो हमेशा वो उसमें नाकाम रहता था वन फाइन डे ही वॉज़ वॉकिंग अलोंग द रोड एक अच्छा दिन था वो रोड पे अकेला जा रहा था ही सॉ अ बैग ले ऑन द साइड ऑफ द रोड फिर उसकी नज़र सामने एक रोड पे एक बैग थी उस पे गई ही पिकड अप द बैग एंड ओपन इट उसने वो बैग को उठाया और उसको ओपन किया यानी खोल के देखा देर वॉज अ यूज अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग उसमें बैग में बहुत सारे मनी यानी पैसे थे बहुत सारे उस बैग में पैसे थे एंड ऑल्सो एंड एड्रेस कार्ड ऑफ द ओनर ऑफ़ द बैग और उसमें जिस ओनर यानी जो बैग का मालिक था उसका एड्रेस भी उसमें लिखा हुआ था ही वेंट टू हीज मदर वो बैग लेके अपनी मम्मी के पास गया एंड टोल्ड हर अबाउट द बैग और उसको उसके बैग के बारे में बताया कि ऐसे मुझे रास्ते में ये बैग मिली है और इसमें बहुत सारी मनी है हिज मदर स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड हिम टू गिव द बैग टू दिनर एट हिज एड्रेस उसकी मम्मी ने स्ट्रिक्टली उसको ऑर्डर दे दिया कि जिसका बैग है इसकी एड्रेस लिखी हुई है तो जाके उसको रिटर्न करके आ बॉय रीच्ड फिर बॉय वहाँ पर पहुंचा जिसका वो बैग था द ओनर्स हाउस एंड हैंडेड ओवर द बैग टू हिम वो जो बॉय था वो जो ओनर का हाउस था उसके घर यहाँ पर एड्रेस लिखी हुई थी तो उसके हाउस पे पहुँचा और हैंडेड ओवर द बैग टू हिम और उसको उसके हाथ में वो बैग दे दी द ओनर वॉज वेरी रिच बिजनस मैन एंड ही हैड मैनी फैक्ट्रीज जो ओनर था वो बहुत ही रिच था एक अच्छा रिच बिजनिस मैन था बहुत पैसे वाला था और उसको अच्छा बिजनेस था एंड ही हैड मैनी फैक्ट्रीज और उसके पास बहुत सारी फैक्ट्रीज थी ही वॉज़ वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल टू सी दस्टी ऑफ द बॉय वो जो मालिक था जिसका बैग था वो बहुत खुश हो गया और बहुत ही उसका थैंकफुल उसका शुक्रिया किया वो ऑनेस्ट बॉय का जो वो लड़का ईमानदारी से वो बैग उसको रिटर्न करने आया था अगर और कोई ऑनेस्ट नहीं होता बच्चा तो वो तो ऐसे ही जिसका बैग था वो घर पे रख देता अगर ऑनेस्टी नहीं होती सच्चाई नहीं होती तो हम कभी कभी ऐसे मन ललचा जाता है ना हमारा भी कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि चलो चलो मैं तो इस जैसे आपका कोई फ्रेंड कोई अच्छी कोई चीज़ लाया हो तो आपका मन ललचा जाएगा अरे कितना अच्छा है चलो मैं इसको अपने बैग में डाल देता हूँ पर हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ है वो अच्छी दिखती है आप उसको दो मिनट अपने फ्रेंड से लेके खेल सकते हो पर हमको जो हमारे अंदर है वो ऑनेस्टी रखनी चाहिए जिसकी जो चीज़ है वो उसकी है तो हमें उसको वो रिटर्न करने चाहिए तो वो बॉय ने भी ऑनेस्टी दिखाई वो जिसका पैसे वाला बैग था वो वो उसको दे दिया द रिच मैन आस्ट द बॉय वेर ही वॉज वर्किंग उसने वो बॉय से पूछा कि तू कहाँ काम करता है द बॉय टोल्ड हिम हिज सैड स्टोरी एंड फर्दर सैड हाओ पुअर हिज फैमिली वॉज फिर वो लड़के ने उसको अपनी जो दुख भरी कहानी थी कि वो कैसे अपनी फैमिली को संभालता है उसके पापा भी नहीं है उसने अपनी पूरी स्टोरी उसको बताई द रिच मैन वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर बॉय जो रिच मैन था वो बहुत इम्प्रेस हो गया उस लड़के की ऑनेस्टी पे कि इसने मुझे इतना पैसों वाला बैग रिटर्न कर दिया उसकी ईमानदारी पे वो बहुत ही खुश हो गया एंड गेव हिम अ गुड जॉब इन हिज फैक्ट्री और उसने अपने फैक्ट्री में उसको एक अच्छी जॉब दिला दी दस द पुअर बॉय गॉड रिवार्डेड इसी तरह उस पुअर बॉय को रिवॉर्ड यानी अवार्ड मिल गया ना एक कि उसको जॉब नहीं था उसको उसने फैक्ट्री में जॉब दिया फॉर इज ऑनेस्टी की वजह से एंड ही एंड हिज फैमिली लिव्ड हैप्पीली देर आफ्टर उसके बाद वो और उसकी फैमिली बहुत खुश रहने लगे उसकी ऑनेस्टी की वजह से उसकी ईमानदारी की वजह से देखो हम कोई भी काम करना है ना तो हमको अपनी ऑनेस्टी के साथ करना है यानी हम ऑनेस्टी के साथ कौन को, कोई भी काम करेंगे अगर हमको कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमको गॉड भी उसमें हेल्प करता है पर हमको कभी भी ऐसे बिना ईमानदारी के या ऐसे मन में कुछ ऐसा रख के करेंगे तो वो हमें गॉड भी पनिश करेगा सो so, ये क्या है ऑनेस्टी के बारे में स्टोरी है चलो अभी मैं आपको इसका मोरल बताती हूँ ओके सो लेट वी स्टार्ट सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी एन ऑनेस्ट पर्सन इज़ अ हैप्पी वन जो ऑनेस्ट पर्सन होता है वो हमेशा खुश रहता है क्योंकि वो ऑनेस्ट है यानी उसके अंदर कोई भी छल कपट या ऐसा कुछ नहीं है अगर हम ऑनेस्टी uh, नहीं दिखाते हैं या हमारे मन में कोई चोर होता है तो हमको टेंशन रहता है कि अंदर ही अंदर वो हमको यानी uh, करता है कि यार ऐसे हम हमने गलत किया है वो हमको अंदर तो पता पड़ता है पर हम सामने नहीं बोल पाते हैं पर जो ऑनेस्ट पर्सन होता है ईमानदारी जो होती है ईमानदार पर्सन होता है वो हमेशा हैप्पी रहता है खुश रहता है इफ़ यू आर ऑनेस्ट यू विल हैव नो फियर अगर आप ऑनेस्ट हो आप सच्चे हो तो आपके अंदर कोई भी डर नहीं होता अगर हम ऑनेस्ट नहीं होते हैं तो हमको अंदर थोड़ा डर रहता है कि कहीं इसको कुछ पता नहीं चल जाए या उसको कुछ हमने कुछ ऐसा किया हो कि हमको वो अंदर ही अंदर डर सताता रहता है सो यू विल फील गुड एंड कॉन्फिडेंस अगर हम ऑनेस्ट है तो हमको किसी बात का डर नहीं होता और हम अपने आप को गुड फील करते हैं कॉन्फिडेंट फील करते हैं बींग ऑनेस्ट लेट्स ऑलवेज बी आउट ऑफ फियर यानी हम ऑनेस्ट रहेंगे तो हमारे अंदर जो डर है वो भी बाहर निकल जाएगा ऑनेस्टी विल मेक यू फील हैप्पी ऑनेस्टी विल मेक यू फील हैप्पी जो ऑनेस्टी है ना वो हमको हमेशा खुश रखता है सो ऑलवेज़ बी ऑनेस्ट सो हमको हमेशा क्या होना चाहिए ऑनेस्ट होना चाहिए यानी हम सच्चे होंगे ईमानदार होंगे तो हम हमको किसका डर तो हम वो हम क्या फील करेंगे हमेशा हैप्पी फील करेंगे पर अगर हमने डिस ऑनेस्ट दिखाई या हमारे अंदर कुछ हमने छुपाया तो वो अंदर ही अंदर हमको परेशान करता रहता है सो टूडे आवर वैल्यू इज़ सो ऑलवेज बी ऑनेस्ट हमेशा हमको क्या रहना चाहिए ऑनेस्ट रहना चाहिए सो चिल्ड्रन आई होप यू एन्जॉइंग टू टॉपिक सो एट होम अगेन यू रीड दिस स्टोरी ओके वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट क्लास सो चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय